हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए साथ लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आप सबका एग्जाम है कल इकोनॉमिक्स का, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको 3 घंटे में पेपर को कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बेसिकली आपका पेपर कल है और आपका जो पेपर का टाइमिंग है वो 3 से 6 के बीच का है, यानी कि आपको टोटल 3 घंटे मिलेंगे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। एंड बिलीव मी, 3 घंटे बहुत ज़्यादा है, इनफ है आपके लिए अगर आपकी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस हुई है तो। क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपसे नहीं होगा 3 घंटे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सारे जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो प्रेफरेंस के साथ मिलते हैं, यानी कि आपको अगर 5 मिले हैं तो उसमें से 3 करने होंगे, ऐसे आपको प्रेफरेंसेस में मिलते हैं। एंड जो ये कॉलम है इसमें कितने मार्क्स के लिए जो है टाइमिंग को अलॉट किया गया है, सॉरी क्वेश्चंस को अलॉट मार्क्स को अलॉट किया गया है। फिर यहाँ पे हर क्वेश्चंस को आपको कितने मिनट देने हैं, कितना टाइम देना है, एंड एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सब डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो तो वो 2:30 का टाइमिंग होता है, क्योंकि 2:30 को आप सब बच्चों को एग्जाम के अंदर, मतलब हॉल के अंदर ले ही लिया, क्लासरूम के अंदर ले ही लिया जाता है। एंड फिर आपकी जो भी डिटेल है वो आप आंसर शीट में 3 बजे फिल करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको जैसे ही पेपर मिलता है 3 बजे, आपको क्विक डिसाइड करना है कि आपको सारे क्वेश्चन 2 मिनट में कि आपको प्रेफरेंसेस में से आंसर्स कौन सा अटेम्प्ट करना है ना। जैसे कि वैसे तो मोस्टली 15 मिनट पहले आपका आंसर शीट मिल जाता, सारे क्वेश्चंस फिल, मतलब सारे डिटेल्स फुलफिल कर लेते हो। लेकिन जब 2 मिनट पहले ही आपको पेपर दिया जाता है तो आपको पेपर एनालाइज करने के लिए दिया जाता है, देखने के लिए दिया जाता है, जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि विदिन 2 मिनट्स आपको कौन से क्वेश्चंस को प्रेफर देना है, कौन से क्वेश्चंस को प्रेफरेंस देना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, विदिन 2 मिनट्स में आपको डिसाइड करना होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, जहाँ पे ABCD ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं जो 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एंड सारे ही क्वेश्चंस को आप मिनिमम 3 मिनट दे सकते हैं, मैक्सिमम 4 मिनट दे सकते हैं। से ए को आपने 3 मिनट दिया, बी को 3 दिया, सी को 3 दिया, 4 को, मतलब सबको 3-3 मिनट्स आप दे सकते हो, और मैक्सिमम 4 मिनट्स, और टोटल आपको 30 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन को देना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 को, जो आपका 3:15 को ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ए की बात करें तो 6 मार्क्स से लिए पूछा जाता है, और मिनिमम आप हर क्वेश्चन को 5-5 मिनट दे सकते हैं, और यहाँ पे 15 मिनट के अंदर आपको तीनों क्वेश्चन को आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन करके भी खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 2B की बात करें डिस्टिंग्विश की, तो ये भी 6 मार्क्स के लिए होता है, और यहाँ पे हर क्वेश्चन को आपको 6 से 7 मार्क्स के लिए ही देना है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। एंड टोटल जो मिनट होगा वो 20 मिनट्स को ही यूटिलाइज करना है, जो कि 3:50 को आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे जो है 12 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड आपको हर क्वेश्चन को जो है 15-15 मैक्सिमम मिनिमम 10 मिनट देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, एंड ये आपका जो है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये 4:20 को आपका क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एनी 3 लिखना होता है आउट ऑफ 5, और क्वेश्चन नंबर 3 भी एनी 3 लिखना होता है आउट ऑफ 5, और क्वेश्चन नंबर 2 और ए और 2B भी आउट ऑफ 5 ही लिखना होता है 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको 12 मार्क्स के लिए होता है, जो कि हर क्वेश्चन को 10-10 मिनट्स आप अलॉट कर सकते हो, और 30 मिनट के अंदर आपका पूरा पेपर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं तो यहाँ पे 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप एक क्वेश्चन को मिनिमम 6 मार्क्स दे सकते हो और मैक्सिमम 7 मार्क्स दे सकते हो, और टोटल 20 मिनट्स में आपको ये ओवर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 16 मार्क्स आपको इसमें दिया जा 16 मार्क्स के लिए पेपर लिखना है, यानी कि 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और यहाँ पे आप मैक्सिमम 25 मिनट दे सकते हैं 1 क्वेश्चन को, और मिनिमम 20 मार्क्स के, यानी कि 45 मिनट में आपको ये ख़त्म करना है। लास्ट के जो 5 मिनट बचते हैं
इस 5 मिनट का आपको क्या करना है, अपने पेपर को रीचेक करना है कि कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ ऐड ऑन करना है क्या, कुछ रह गया है क्या, आपके सप्लीमेंट्स कैसे हैं, उसमें आपने नंबरिंग की है या फिर नहीं की, ये सारी चीज़ें आप 5 मिनट में कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है मार्क्स के साथ, और 180 मिनट में आपको ये सारे के सारे जो है करने हैं, ठीक है। समटाइम आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, बट आपको ये याद रखना है कि आपको 6 बजे के पहले यानी कि 5:56 को पेपर कंप्लीट कर देना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप इसी तरीके से करके जाइए एंड होपफुली यू विल कंप्लीट योर पेपर विद इन अ गिवन टाइम, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच।